ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाएं इस घंटे को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर की 1892 की कहानी काबुलीवाला से प्रेरित फिल्म बायोस्कोप वाला का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म का ट्रेलर यादों के पुराने गलियारे में ले जाता है, जहां एक बायोस्कोप में पूरी जादुई दुनिया सिमटी रहती है। बायोस्कोप वाला की कहानी वहां से शुरू होती है, जहां काबुलीवाला की कहानी खत्म होती है। बायोस्कोप वाला कोलकाता में बच्चों को फिल्म दिखाता है और उनका मनोरंजन करता है। उसकी नन्ही मिनी के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि मिनी में उसे अपनी बिटिया की झलक दिखती है। बायोस्कोप वाला की बेटी युद्ध की मार झेल रहे अफगानिस्तान में है। फिल्म में डैनी, गीतांजलि थामा, तिस्का चोपड़ा और आदिल हुसैन लीड रोल में हैं। बायोस्कोप वाला को सुनील दोषी ने प्रोड्यूस किया है और इसे देव मेघधर ने डायरेक्ट किया है। बायोस्कोप वाला को 25 मई को रिलीज किया जाएगा। काबुली वाला रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत ही लोकप्रिय कहानी है, जो इमोशंस से भरी है। यह काबुल से आने वाले एक पश्तून सौदागर की कहानी है, जो भारत मेवे बेचने आता है। उसकी दोस्ती मिनी से हो जाती है, जिसे देखकर उसे अपनी बेटी की याद आती है।